इसी साल मई में कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण के दौरान जब मोदी विरोधी नेताओं का जुटान हुआ तो 2019 के चुनाव के लिए महागठबंधन आकार लेता दिखा, लेकिन इस जुटान के करीब 4 महीने बाद भी संभावित महागठबंधन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। ना तो पार्टियां एकजुट हो सकी और ना तो कोई एजेंडा ही सेट हो सका। लेकिन इसी मोदी विरोधी जुटान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी थीं, जो फिलहाल अपना अलग गठबंधन बनाकर इस संभावित महागठबंधन से कहीं आगे निकलती जा रही हैं। यूपी में कांग्रेस को किनारे करने वाली मायावती ने जब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को दोहरा झटका देकर उसी के पुराने मोहरे रहे अजीत जोगी से विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया तो कांग्रेस भी मन महसूस कर रह गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ये कहकर कांग्रेस को सांत्वना देते नजर आए कि ये गठबंधन महज विधानसभा चुनाव के लिए है, लेकिन 24 सितंबर को ही कांग्रेस को एक और झटका देते हुए मायावती और अजीत जोगी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। बीएसपी और जोगी की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के गठबंधन ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए साल 2019 के चुनावी रण के लिए मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसी के साथ ये भी साफ होता नजर आया कि शायद यही वजह रही होगी कि कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन नहीं हो सका। अजीत जोगी और बीएसपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी अशोक सिद्धार्थ समेत वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिस तरह से मायावती को पीएम उम्मीदवार घोषित किया गया वो मायावती के लिए क्लियर एंड कट वाली राजनीति को दिखाता है। अभी तक संभावित महागठबंधन तय ही नहीं कर पाया कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, उधर छत्तीसगढ़ में मायावती के नाम पर मोहर लग गई, जिसने मायावती को संभावित महागठबंधन से 2 कदम आगे लाकर खड़ा कर दिया। इससे एक बात और साफ होती है कि जरूरत पड़ने पर मायावती महागठबंधन को किनारे कर अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वैसे भी उन्होंने साफ कह दिया है कि सम्मानजनक सीट मिलने पर ही वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर मायावती ने जो फैसला लिया है उसने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में भी डर पैदा कर दिया होगा कि कहीं उन्हें भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती किनारे कर अकेले ही चुनावी मैदान में न उतर जाएं। वैसे भी अभी तक दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में जिस तरह से संभावित महागठबंधन दरकता जा रहा है उससे बीजेपी जरूर राहत की सांस ले रही होगी, जो पहले से ही संभावित महागठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर तंज कसते हुए उनका दूल्हा कौन होगा पूछती रही है।